खबर दौसा से, जहां पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ सचिन पायलट दौसा के बांदीकुई पीचूपाड़ा गांव पहुंचे, जहां पर दौसा लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी सविता मीणा के समर्थन में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। सचिन पायलट ने मंच से लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में आपने कांग्रेस का साथ देकर के राजस्थान में कांग्रेस की सत्ता बनाई, एक बार फिर से लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस का साथ देकर के प्रदेश की 25 की 25 सीटें कांग्रेस के खाते में डालें। पीसीसी चीफ सचिन पायलट ने भाजपा पर भी जमकर शब्दों के बाहर किए। पायलट ने कहा कि पूर्व में भाजपा की सरकार ने चुनाव के दौरान जनता से वादा तो किया, लेकिन उनको पूरे नहीं किए, और आज जो भी भाजपा के खिलाफ बोलता है उन्हें भाजपा राजद्रोही देशद्रोही बताती है। वहीं पर पायलट ने कहा कि देश की संवैधानिक संस्था को भी भाजपा सरकार ने नहीं छोड़ा, उनका भी गलत इस्तेमाल करने के लिए उनकी श्रेष्ठता को समाप्त कर दिया गया है। ऐसे में पायलट ने कहा लोकतंत्र को बचाने के लिए कांग्रेस जरूरी है। इस दौरान कांग्रेस प्रत्याशी सविता मीणा, दौसा विधायक मुरारीलाल मीणा, बांदीकुई विधायक जीआर खटाणा, सिकराय विधायक, प्रदेश सरकार में मंत्री के पद पर आसीन ममता भूपेश, एसईसी के सचिव धीरज गुर्जर सहित बड़ी तादाद में कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। मृदाई की टेंशन हो,